उसके आगे है राइड्स सारी हमारी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20-50 रुपीस के यहाँ पर झूले हैं भाई साहब। जायंट व्हील तो काफी बढ़िया लगी, सब भूत बंगले की टिकट है 50 रुपए की, अंदर चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ फरीदाबाद NIT का दशहरा मेला दिखाने। तो इस वीडियो में मैं आपको इस मेले की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दिल्ली NCR में नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए। तो इस जगह की लोकेशन दशहरा ग्राउंड NIT 3 फरीदाबाद नियर BK हॉस्पिटल है, और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन बाटा चौक का है। टाइमिंग्स की बात करें तो इस मेले की टाइमिंग शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक की, और ये मेला 13 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला है। तो पार्किंग भी आपको मेले के साथ में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप कहीं भी अपना 2-व्हीलर और गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और इस मेले की एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई भी इस मेले में आ जा सकता है। रामलीला का मंच है और साथ में स्क्रीन लगाई हुई है, और बाकी दशहरा मेला पीछे की तरफ है, वहां से दशहरे मेले की एंट्री है। तो मैं अभी आपको दशहरे मेले के अंदर लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मेले के अंदर आ गया हूँ, NIT 3 फरीदाबाद के दशहरे मेले के अंदर। तो इधर की तरफ सारी स्टॉल्स हैं, आप खरीद सकते हो, गेम खेल, राइड्स के मजे ले सकते हो, लाइक झूला झूल सकते हो। ये काफ़ी हैपनिंग स्टॉल्स, रामलीला जैसे आप मेले के अंदर आओगे तो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी, फिर राइड्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है। इवन मौत का कुआ भी वहाँ पर है, तो मैं आपको सारा मेला दिखाने वाला हूं। कितने का भी अलग से 6 बॉल मिलेगी आपको 30 रुपए में, 6 बॉलों का जोड़ करना है 30 रुपए में, लाइन से बॉल डालनी है ऐसे, 6 की 6 बॉलों का टोटल करना है, 6, 2, 8, 4, 12 ऐसे 6 बॉलों का टोटल करके बैनर वाला नंबर बनाना है। अच्छा, आपका इनमें से कोई भी नंबर बनेगा उसी को आपको गिफ्ट होगा। ओके, तो 8 रुपए का वन चार्ज। तो नंबर की आपने चिट भी चिपकाई हुई है गिफ्ट के अलावा। यहाँ पर रिंग वाला गेम भी आपको दिख जाएगा, जो कि बहुत कॉमन है, आपको हर मेले में देखने को मिलता है। तो पूछते हैं ठीक है भैया, कितने रुपए की रिंग है? 30 रुपए की भैया। 30 रुपए की कितनी? 6। तो 30 रुपए की 6 रिंग्स है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं। तो गिलास पे निशाने लगाने वाला गेम है, कितने की रिंग है? 30 रुपए का एक चांस है। 30 रुपए का एक चांस है जी। क्या प्राइस मिलेगा जीतने वाले का? 100 रुपए कैश। 100 रुपए कैश। कोई खेल रहा है आप में से? अभी गिर ही नहीं सकते, यह गिरा दे। नहीं गिराया है, मैंने वीडियो बनाई है, 2 बंदों ने मिले वहाँ पे 250 रुपये दे रहे थे, लेकिन ये 100 दे रहे हैं। वो 50 का गेम होगा। हाँ, वो 50 रुपये का, 30 रुपये का गेम, ये 30 रुपीज़ का। गिरने पर 100 रुपये इनाम के अलावा आप यहाँ पर काफ़ी कुछ खरीद भी सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बैग्स वगैरह वहाँ पर, बेंगल्स हैं, और इधर बच्चों के लिए टॉयज हैं। तो आगे, हाँ भाई, हाँ हेलो ब्रो, बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इस मेले का दूसरा गेट है, तो दूसरे गेट से आगे की तरफ चलते हैं, उधर की तरफ सारी राइड्स हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं कितनी दूर दूर जाता हूँ आप लोगों के लिए मेले की इन्फॉर्मेशन देने। तो इधर की तरफ भी रिंग वाला गेम है और इधर लक्की 7 है, वही यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं ना मेले के अंदर, काफ़ी सारे गेम्स और झूले रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि ये दो स्टॉल्स रिपीट हो गई दोबारा, वही उसके आगे है राइड्स सारी हमारी। तो मैं डायरेक्ट आपको राइड्स के बारे में बताता हूँ। जायंट व्हील पे अच्छी लाइटिंग लगाई हुई है, सही है, ठीक है। अरे क्या बात है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलंबो की टिकट कितने की है, थोड़ा पुराना है यहाँ पर सिलंबो। कितने की टिकट है भैया? 70 रुपये। 70 रुपीज़ की टिकट है सिलंबो की। उसके अलावा वीडियोज डालता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है मेले के अंदर, एक हैपनिंग सा प्लेस है, एक हैपनिंग सी जगह होती है, आप अपने बच्चों को लेकर आओ। हर वक्त तो मेला लगता नहीं है ना, फेस्टिवल के टाइम पर लगता है, तो आप इस मेले में ज़रूर आना यार। तो मैं हूँ अभी कोलंबस के बाहर, कोलंबस की लाइटिंग अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की लाइटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई है, रेड कलर की ट्यूब लगाई हुई है, ब्लू कलर की ट्यूब लगाई हुई है, वाइट कलर की ट्यूब लगाई हुई है। तो मैं आपको रेट बताता हूँ कितने का है कोलंबस का। भैया कोलंबस की टिकट कितने की है? भैया बहुत महंगी दे रहे हैं, 80 रुपए की टिकट दे रहे हैं। एक ऐसा है ब्रो, 70 रुपीज़ की, तो कोलंबस की टिकट भी 70 रुपीज़। भाई साहब जायंट व्हील तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, लाइटिंग्स वगैरह देखो इसकी, काश मैं भी इस झूले पर जा पाता यार, अगर मुझे डर ना लग रहा होता। तो मैं इसकी रेट बताता हूँ कितने रुपए की है। भैया कितने की टिकट है इसकी? 70 रुपये। 70 रुपीज़, तो इसकी टिकट है 70 रुपए की,
तो यहाँ पर सारे झूलों की टिकट मुझे अभी तक 170 रुपए की लग रही है। तो आगे चलते हैं और पूछते हैं कौन कौन से राइड्स यहाँ पर है। ट्रेन की टिकट भी 70 रुपए की है। ड्रैगन ट्रेन के बगल में भूत बंगला, काफी हॉन्टेड बनाया हुआ भूत बंगले को। टिकट पूछते हैं भूत बंगले की, भैया कितने की टिकट है भूत बंगले की? 50 रुपए की। तो भाई साहब भूत बंगले की टिकट है 50 रुपए की। अंदर चलते हैं, भूत बंगला दिखाता हूँ अंदर से कैसा होता है आपको। मैं आ गया भाई भूत बंगले के अंदर। काफी ज्यादा हॉन्टेड है यार भूत। तो मैं हूँ इस वक्त मैरी गो राउंड के बाहर जो भूत बंगले के बिल्कुल साथ में है। तो इसकी टिकट पूछते हैं कितने की है। काफी अच्छा लग रहा है मैरी गो राउंड। अंकल कितने की टिकट है इसकी? 50 दिखाता हूँ, मेरे को चक्कर आते हैं यार, मैं झूल नहीं सकता। तो ऐसे दिखाता हूँ कैसा होता है मैरी गो राउंड। काफी अच्छी यू नो लाइटिंग्स लगाई हुई है, काफी सारे बल्ब लगाए हुए हैं लाइन में, यहाँ पर बल्ब लगाए हुए हैं। वाह यार काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो अगर आपको हॉर्स राइडिंग पसंद नहीं है तो आप बैठकर भी मैरी गो राउंड के मजे ले सकते हो। छोटा मैरी गो राउंड है बच्चों के लिए, बड़े भी बैठ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, बट यू नो इससे भी बड़ा मैंने मेले में देखा है मैरी गो राउंड, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। मौत के कुएं के बाहर इसकी टिकट भी 50 रुपए की है। अब खेल कमाल चालू हो गए सर्कस के, बड़े खेल बड़े कमाल चालू है, शुरू करवाएंगे बैठने टिकट। तो यहाँ पर है बच्चों की राइड, बच्चों की कार राइड। तो इधर की तरफ है सर्कस और डांस शो जिसकी टिकट है ओनली 50 रुपए की। और इधर की तरफ है बच्चों की राइड्स, बोट राइडिंग है बच्चों की 50 रुपए की। और इधर छोटी कार राइड है 20 रुपए की, वो भी 20 रुपीज की है। बच्चों की ऑलमोस्ट 20-50 रुपीज के यहाँ पर झूले हैं, देख सकते हैं बच्चे बोटिंग कर रहे हैं अंदर पानी के अंदर। तो इधर की तरफ फूड कोर्ट बना हुआ है, आप लोग बैठकर अपनी फैमिली के साथ कुछ खा पी सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने फरीदाबाद NIT 3 का आपको पूरा दशहरा मेला दिखा दिया है, अगर आप इस मेले में आना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।